अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जवेरिया है। एक बात अच्छी तरह समझ लें कि PCOS का मतलब बांझपन नहीं है। प्लीज़ इस बात को अच्छे से अपने अंदर फिक्स कर लें। देखें, मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं कि क्या PCOS वाले कभी प्रेग्नेंट हो सकते हैं या PCOS वाले IVF करा सकते हैं। आप लोग, अगर हस्बैंड की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है तो आपको तो IVF की भी ज़रूरत नहीं होती। आप लोग सुपर फर्टाइल लोग होते हैं, बस मसला क्या होता है कि आप लोगों ने मैनेज नहीं किया होता। मैनेज कैसे करना है? एक ग्लूकोफेज, एक वेट लॉस। मल्टीपल वीडियोस मैंने PCO पे बनाई हैं, आप लोगों को डाइट प्लान भी बताया है उसका, और मेडिसिन क्या लेनी है वो मैं आपको बार बार बताती हूँ, उसका हल क्या है। लेकिन फिर भी मुझसे क्वेश्चन बहुत किया जाता है, और इसकी वजह ये है कि लोग वेट कम करने को तैयार नहीं होते। जब भी किसी से कहेंगे जी आपने वेट कम करना है, उनका एक ही जवाब होता है, मैडम बहुत कोशिश की है बस वेट कम नहीं हो रहा, कोई गोली बता दें, कोई टीका लगा दें। गोलियों और टीकों पर चलेंगे ना, तो इस महीने अगर आपने 4 किलो कम कर भी लिया किसी गोली की वजह से, ख़ास तौर पे ये जो वेट लॉस करने वाली टैबलेट्स होती हैं, मैं ग्लूकोफेज की बात नहीं कर रही हूँ, ग्लूकोफेज वज़न कम करने के लिए नहीं होती। अगर आपने वेट लॉस किसी टैबलेट की हेल्प से किया ना, तो अगले महीने जितना कम किया है ना, जैसे टैबलेट छोड़ेंगे उससे डबल बढ़ जाएगा। इसलिए मैं उसको वो प्रेफर नहीं करती हूँ। और जब आप जिम से, डाइट से या वॉक करने से वेट लॉस करते हैं, तो उसका आपको फ़ायदा बहुत अरसे तक रहता है, और नेचुरल प्रेगनेंसी का चांस बहुत होता है अगर हस्बैंड की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। हाँ, अगर आपको PCO है और हस्बैंड की साइड पर भी कोई बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है, फिर नेचुरल प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल होती है, फिर तो कोई हो जाए तो हम उसको मोजा कहते हैं। अदरवाइज़ PCO से कंसीव करना बहुत आसान है अगर आप सिर्फ वज़न कम कर लें। थैंक यू सो मच।